welcome back to noskrit and in this video we'll talk about NFT Q mcq questions based on python right so let's get started with the very first problem so the first question which i feel that it can be asked is this one wherein we have to calculate the number of instance variables number of static variables and number of uh, local variables so let me explain this to you guys

इनिट मेथड के अंदर या फिर किसी डिस्प, डिस्प्ले मेथड के अंदर वो सारे कीवर्ड्स वर्ड्स ढूंढो जो कि सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे एक सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है कलर कलर एक यहाँ कलर वेरिएबल एक सेल्फ के साथ ये एसोसिएटेड है एक सेल्फ के साथ ये एसोसिएटेड है राइट तो दीज थ्री वेरिएबल्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज दी इंस्टेंस वेरिएबल्स फाइन अब मैंने क्या बोला मेथड के अंदर भी चेक करना है तो मेथड के अंदर देखो कलर वेरिएबल तो वही है वेट वेरिएबल भी सेम है नेम वेरिएबल भी सेम है तो इन तीनों को तुम अलग से कंसिडर नहीं करोगे दे आर ऑलरेडी हैज बीन कंसिडर्ड राइट अब एक और वेरिएबल है जो कि सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो वेरिएबल सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है ये स्टैटिक है ये इंस्टेंस नहीं है क्यों क्यों स्टैटिक है क्योंकि ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर्ड है तो अगर कोई वेरिएबल क्लास लेवल पे डिक्लेयर्ड है और उसको तुम सेल्फ के साथ एसोसिएट कर कर रहे हो तो ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हुआ ये स्टैटिक ही रहेगा तो इस क्वेश्चन के अंदर एक हुआ आपके पास स्टैटिक वेरिएबल ठीक है और ये तीन वेरिएबल्स जो आपने क्लियर क्रिएट uh, किया है कलर वेट एंड नेम ये आपके होंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स ठीक है अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की तो लोकल वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल होगा इट विल बी व्हेन लेट्स सपोज इफ एनी वेरिएबल इज बीइंग पास टू द पैरामीटर ठीक है मे बी इन कंस्ट्रक्टर अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई कोई वेरिएबल पैरामीटर के अंदर पास्ड है या फिर कोई इस तरीके से किसी फंक्शन के अंदर या फिर कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से कोई वैल्यू डिक्लेयर्ड है ए इज इक्वल्स टू वन ऐसे करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है बिना सेल्फ के तो उसको भी लोकल वेरिएबल कंसिडर करोगे बट इन दिस केस हम अभी इसी केस के अंदर सिर्फ एक नेम को ही कंसिडर करेंगे विच इज़ अ लोकल वेरिएबल ठीक है तो अगर कोई अगर कोई वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास्ड है या फिर किसी फंक्शन के अंदर या फिर इनिट मेथड के अंदर अलग से लोकली वेरिएबल कोई डिक्लेयर्ड है तो उसको भी हम लोकल वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टैटिक एक लोकल और तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स आर देयर सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हियर यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट इन दिस क्वेश्चन सो सो इन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी वेल राइट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू वाई इज दिस इंपॉर्टेंट सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन स्टेट ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर पाइथन फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड तो ये जो गीवन फंक्शन हमें गिवन है अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं किस पे एग्जीक्यूट करना है बोल रहा है कि अगर आपको हेड नोड गिवन है इस लिंक लिस्ट की और आपको नम की वैल्यू फाइव गिवन है तब इस लिंक लिस्ट का क्या स्टेट होगा इस पूरे फंक्शन को रन करने के बाद वो हमें बताना है ठीक है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं आपको एक लिंक लिस्ट बना देता हूं यहां पे तो ये लिंक लिस्ट हमें गिवन है राइट हमें पता है कि दिस विल बी हेड नोड सो दिस इज गोइंग टू बी हेड नोड राइट अब देखो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन सो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेम्प वेरिएबल लो ठीक है एक टेम्प वेरिएबल लिया विच विल बी पॉइंटिंग टू हेड नोड इनिशियली ठीक है हेड को पॉइंट करा दिया नाउ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे कह रहा है कि क्या हेड नन है नो हेड इज नॉट नन हेड नन नहीं है तो क्या करेगा एल्स पार्ट रन होगा एल्स पार्ट रन होगा तो बोल रहा है कि एक इंडेक्स इज इक्वल टू वन नाम का वेरिएबल क्रिएट करो देखो टाइम बहुत मिलेगा तो आराम क्वेश्चन को करना है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे हर एक वेरियबल को क्रिएट करते हुए चलेंगे राइट क्योंकि कोई भी वेरिएबल कभी, कभी भी कभी भी चेंज हो सकता है तो सबको क्रिएट कर चलो राइट कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो इसमें इंडेक्स इज इक्वल्स टू वन हमने क्रिएट किया अब यहाँ पे एक वाइल लूप आपको देखने को मिल रहा है सो दे बेसिकली दिस वाइल लूप इज सेइंग दैट इंडेक्स अनटिल योर इंडेक्स बिकम्स एटलीस्ट इक्वल टू नम हतो हम ये वाला लूप चलाएंगे ठीक है जब तक इंडेक्स की वैल्यू नम से छोटी है तब तक हम लूप चलाएंगे तो सबसे पहले क्या कर सबसे पहले क्या करता है लाइन बाय लाइन चलाएंगे इसको भी ठीक है तो यहाँ पे एक वेल well नाम की एक वैल्यू क्रिएट हुई विच इज एक्चुअली द टैम डोट गेट टैम डोंट गेट डेटा तो टैम का डेटा कितना है वन Temp का डेटा गेट करो नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि Temp को आगे बढ़ा दो तो Temp यहां सेट करके कहां पे आ जाएगा टेम्प यहां पे शिफ्ट हो जाएगा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कह रहा है कि जो भी तुमने वेल well के अंदर वैल्यू सेट की है ना उसको हेड के डेटा में सेट कर दो तो देखो हेड के डेटा में कितना सेट पड़ा हुआ है कितना पड़ा हुआ है ऑलरेडी वन पड़ा हुआ है ठीक है उससे मतलब नहीं है वन हो चाहे कुछ भी हो कह रहा है कि जो वैल्यू की वैल्यू है उसको सेट कर दो तो मैं एक काम करता हूं मतलब आपको दिखाने के लिए इस वन को यहां से रिमूव करते हैं और एक नया वाला वन हम यहां पे सेट कर देंगे ठीक है तो नया वाला वन नया वाला वन यहां पे सेट हो गया ये वैल्यू ये वन यहां पे सेट हो गया राइट अच्छा अब हमने क्या किया वाई लूप के अंदर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया विच इज एक्चुअली इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन तो इंडेक्स हो जाएगा टू अब वापस से वाई लूप जाएंगे वाई लूप पे जाएंगे कह रहा है टू इज लेस देन नम टू इज लेस देन फाइव इट इज स्टिल ट्रू क्योंकि नम की वैल्यू फाइव की वन है ना टू इज स्टिल स्टिल लेस देन फाइव तो अब फिर से वाई लूप ट्रू हुआ तो फिर से चारों चारों लाइन चलाएंगे तो कह रहा है कि फिर से टैम्प की वैल्यू गेट करो तो टैम्प की वैल्यू कितनी यहाँ पे फोर तो हमने टेप की वैल्यू को गेट किया फोर फिर नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे कह रहा है कि टेम्प को आगे बढ़ा दो तो मीन्स तो टैम्प आगे बढ़ जाएगा अब उसके बाद कह रहा है कि जो भी आपके पास वैल्यू के अंदर स्टोर्ड है उसको हमें कहाँ पे क्या करना है उसको हमें हेड के अंदर स्टोर कराना है देखो ध्यान से हेड चेंज नहीं हुआ है आपका ये इंपॉर्टेंट है यहां पे यहां पे आपका हेड अभी भी वहीं पे है जहां पे पहले था ठीक है तो बेसिकली कह रहा है कि हेड के अंदर जो भी आपने वैल्यू वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको सेट कर दो तो यहां से दैट मीन्स ये वन हट करके क्या सेट हो जाएगा फोर ठीक है नाउ इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी अब वापस से वैल्यूप चलेगा थ्री इज लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू फिर से चलाओ जो भी टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको गेट करो उसको गेट करने के यहां बाद वेल के अंदर कितना जाएगा सिक्स आ जाएगा और फिर कह रहेगा कि फिर कह रहा है कि टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट बना दो तो टेम्प यहां से उठ करके आगे चला जाएगा तो नेक्स्ट लाइन रन करेंगे नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि हेड के अंदर वापस से इस वैल्यू को सेट करो तो हेड के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको हटा करके क्या सेट कर देंगे अपन का जो भी नया वैल्यू आई है तो अपन की नई वैल्यू क्या आई है सिक्स तो हम उसको सेट कर देंगे सिक्स और फिर से कह रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दो तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा इंडेक्स हो जाएगा फोर अब फिर से चेक करेंगे फोर इज लेस देन फाइव इट इज स्टिल ट्रू अगर ट्रू है तो क्या बोल रहा है कि टेम्प का डेटा गेट करो टेम्प के अंदर कितना पड़ा है सेवन तो टेम का डेटा हम सेवन यहाँ पर आएंगे वेल के अंदर फिर नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि टेम्प को टेम का नेक्स्ट बनाओ तो टेम्प यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा नाइन पे आ गया और फिर कह क्या लास्ट में कि हेड के अंदर वो वैल्यू सेट करो तो हेड के अंदर ऑलरेडी क्या वैल्यू पड़ी है सिक्स पड़ी है तो उसको हम सेट करेंगे कितनी सेट करेंगे उसको हम सेट करेंगे सेवन वैल्यू जो भी वैल्यू उसको सेट कर देंगे राइट और फिर से इंडेक्स की वैल्यू एक बढ़ा दो तो इंडेक्स की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी इंडेक्स की वैल्यू विल बिकम फाइव अब देखो फाइव इज लेस देन फाइव यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन गई फेल फाइव इज लेस देन फाइव ये हो गया फेल तो अब तुम्हारा वाइल्यूप नहीं चलेगा अब लूप नहीं चलेगा तो अब ये दोनों लाइन चलाना है तो ये दो लाइन क्या बोल रहा है कि कह रहा है हेड का डेटा गेट करो हेड का डेटा कितना है बताओ हेड का डेटा है सेवन और उसको किसके अंदर रख लो उसको टेम्प वन के अंदर रख लो तो टेम्प वन के अंदर आ गया आपके पास सेवन उठ करके और फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि जहां पे भी आपका करंटली टेम्प पॉइंट कर रहा है किसको पॉइंट कर रहा है टेम्प नाइन को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में टेम्प वन को सेट कर दो दैट मीन्स कि वहां से नाइन उठ करके चला जाएगा वहां से नाइन उठ करके चला जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा वहां पे सेवन आ जाएगा जो भी आपके पास टेम्प वन की वैल्यू है तो ये पूरा कोड रन करने के बाद हमें लिंक लिस्ट हमारी जो पहले थी उससे क्या बन गई ये बन गई ठीक है हमारी इन इंग्लिश इनिशियली ये थी तो अब ये बन गई तो आंसर क्या होगा सेवन फोर सिक्स डबल सेवन तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ठीक है सो so, अपन का आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा लाइट डालते हैं एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये सीखेंगे कि हाउ डू वी सोल्व हाउ शुड वी सोल्व एनी यू नो ऊप्स बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है ठीक है आपको चीज़ पता होगी देखो अब मैं कुछ रूल्स बताऊंगा रूल्स एज सच कुछ वो नहीं है मतलब ध्यान से सुनना बस देखो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके इनिट इनिट के पास हमें जाना होता है सिंपल सी बात है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके इनिट के पास हम चले जाते हैं अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो होता है सेल्फ तो यहां पर आ जाएगा ओबीजे ठीक है क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ओबीजे तो जो सेल्फ है बेसिकली वो ओबीजे है यहां पे जो y इज इक्वल टू थ्री है ना सॉरी y इज इक्वल टू जीरो एक ऑप्शनल पैरामीटर है ऑप्शनल पैरामीटर बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर आप b का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर आप b का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कोई वैल्यू भेजोगे तो वो मैं वाई के अंदर एज्यूम कर लूंगा और अगर आप कोई वैल्यू नहीं भेजोगे तो मैं उसको जीरो मान लूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर ऐसे लिखते ओबीजे इज इक्वल टू बी फाइव तो यहां पे ये जो y इज इक्वल टू बाई डिफोर जीरो ज्यूम्ड है ना वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं होता फिर तो y के अंदर फाइव वैल्यू चली जाती बट क्योंकि हमने कोई वैल्यू भेजी नहीं है इसको यहां से तो वो बाई डिफॉल्ट y की वैल्यू जीरो ज्यूम करेगा ठीक है तो नाउ इन दिस केस यहां पे इस पॉइंट इन टाइम पे आपका जो सेल्फ है वो है ओबीजे क्यों क्योंकि ओबीजे क्रिएट हुआ है जो जो क्रिएट हो रहा होता है वही सेल्फ होता है दूसरी बात क्योंकि बी में आपने कुछ भेजा नहीं है तो दैट दैट विल बी बेसिकली वाई इज इक्वल टू जीरो अब नेक्स्ट लाइन रन करता है अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है नेक्स्ट लाइन कह रही है कि हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है क्लास ए का देखो अभी भी यही लाइन एक्टिव है यही लाइन चल रही है अभी तक ठीक है इसी लाइन के होने की वजह से सब कुछ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर कॉल किया कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ओबीजे सेट हुआ वाई की वैल्यू जीरो सेट हुई अब नेक्स्ट लाइन के जब हमने रन की तो नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अब जब हमने क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर यहां पर है ठीक है अब जब क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तुमने इसको सेल्फ भेजा तो सेल्फ था कौन ओबीजे ठीक है सेल्फ कौन था ओबीजे तो बेसिकली यहां पे भी ओबीजे यहां पे भी सेल्फ कौन होगा यहां पे भी सेल्फ ओबीजे होगा ठीक है आपने क्या वैल्यू भेजी थ्री तो बेसिकली ये एक्स कौन होगा थ्री होगा तो अब अगर तुम इस ओबीजे और इस वैल्यू थ्री को इसके नीचे अंदर लेकर क्या हो तो यहां पर तुम एक चीज बनती दिखाई देगी कि ओबीजे डॉट एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी अभी भी पूरा रन नहीं हुआ है अभी भी इसका सिर्फ ये लाइन रन हुई है इसके लाइन रन होने की वजह से हमने इसका पूरा कंस्ट्रक्टर जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर पूरा रन किया अब इसको पूरा कंस्ट्रक्टर रन हो गया तो मतलब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई अब जब ये वाली लाइन कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट लाइन रन करो नेक्स्ट लाइन कह रही है देखो सेल्फ कौन है सेल्फ अभी भी ओबीजे है तो नेक्स्ट लाइन कह रही है कि ओबीजे डॉट वाई इज इक्वल टू वाई और वाई है कितना जीरो तो दैट मीन्स ये हमारा क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं आपको क्लियर क्लियर कट बताऊं तो सिर्फ एक लाइन के रन होने की वजह से कौन सी लाइन सिर्फ ये वाली रन ये वाली लाइन रन होने की वजह से आपके मेमोरी के अंदर ये रिफ्लेक्शंस मेरे को देखने को मिले ये चेंजेस मेरे को देखने को मिले ये क्रिएशंस मेमोरी के अंदर हुए सिर्फ इस लाइन के रन होने की वजह से ठीक है नाउ अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दी नेक्स्ट लाइन अब कह रहा है कि ओबीजे से काउंट मेथड कॉल करना है देखो ओबीजे OBJ किसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे क्लास बी का ऑब्जेक्ट है तो हम पहले क्लास बी के अंदर ही जाएंगे और उसके अंदर सर्च करेंगे कि क्या काउंट मेथड वहां पे अवेलेबल है यस yes, वहां पे काउंट मेथड अवेलेबल है और जब हमने काउंट मेथड को देखा तो हमने हम सेल्फ क्या हो जाएगा जिसके थ्रू आपने कॉल किया है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कॉल किया वही सेल्फ हो जाएगा तो यहाँ पे सेल्फ फोन है ओबीजे अब इस ओबीजे को नीचे यूज कर लो जहां जहां भी सेल्फ लिखा है तो जो स्टेटमेंट लिखा वो ये लिखा है कि ओबीजे डॉट वाई प्लस इक्वल टू वन तो इस लाइन स्टेटमेंट का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब है ओबीजे डॉट वाई इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट वाई प्लस वन ओबीजे डॉट वाई की वैल्यू कितनी ऑलरेडी मेमोरी के अंदर जीरो जीरो प्लस वन वन तो वन कहाँ स्टोर हो जाएगा ओबीजे डॉट वाई के अंदर तो बेसिकली ओबीजे डॉट वाई के अंदर जो आपने बाई डिफॉल्ट जीरो ज्यूम कर रखा है वहां पर जीरो की जगह क्या आ जाएगा वहां पर वन आ जाएगा क्योंकि आपने ओबी डॉट वाई की वैल्यू अपडेट कर दी इस लाइन के थ्रू इस काउंट फंक्शन के थ्रू इसने इस पोर्शन ने ओबीजी डॉट वाई की वैल्यू को अपडेट कर दिया ठीक है तो ओबीजी डोट वाई की वैल्यू होगी वन अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि ओबीजी डोट एक्स और ओबीजी डोट वाई को प्रिंट करो क्या हमारे पास मेमोरी के अंदर ओबीजी डोट एक्स और ओबीजी डोट वाई है यस है कितना कितना है थ्री एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वन है तो आपने सिंपली इसको प्रिंट कर दिया ठीक है हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी थ्री कॉमा वन ठीक है सो दिस विल बी द आंसर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिर से अच्छे समझेंगे इसको ठीक है तो देखो अगेन मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत जो होती है एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ से मेन मेथड से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो यहाँ पर हम इसके बी से यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है सी दैट मीन्स सेल्फ कौन होगा सी ये चीज़ आप याद कर लो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे सेल्फ को बना देंगे जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो ठीक है अब इसके अंदर आए, अब इसके इसके अंदर अंदर आए आए सुपर है तो ध्यान से देखना इस चीज को मैं एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा देखो सुपर सुपर कीवर्ड का मतलब होता है जब भी किसी क्लास के अंदर आपको सुपर कीवर्ड देखने को मिले जब भी किसी क्लास के अंदर आपको सुपर कीवर्ड देखने को मिले तो उस सुपर कीवर्ड का मतलब होता है कि आप उस सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करने की बात कर रहे हो तो दैट मींस क्या कॉल हो रहा है अपने आप ही समझ जाओ सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहां पर अब सवाल यह उठता है कि यहां पर सेल्फ होगा कौन तो मैं आपको बता देता हूं जिस पोर्शन के अंदर जिस पोर्शन के अंदर सुपर कॉल हुआ है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जिस पोर्शन के अंदर सुपर कॉल सुपर कॉल हुआ है उस पोर्शन के अंदर सेल्फ कोनेक्टिव है जब ये सुपर यहां से कॉल हुआ तो यहां पे इस इस पोर्शन के अंदर सेल्फ कोनेक्टिव है सेल्फ कोनेक्टिव है बताओ सी एक्टिव है सेल्फ कौन है सी तो दैट मीन यहां पे भी ये सेल्फ कौन जाएगा सी तो ये सुपर बेसिकली अपने साथ सी को पकड़ करके लेके जाएगा सेल्फ के अंदर ठीक है सिंपल सा अभी तक स्टेटमेंट है तो सुपर ने इन इट कॉल किया पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ने बोला सेल्फ कौन है तो सुपर ने बोला कि सेल्फ मैं जब यहां पे मैं जो कॉल हुआ हूं सेल्फ मेरे पास सी था तो यहां पे भी सेल्फ सी होगा ठीक है नाउ अब इस सी को अंदर यूज करो तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है सी डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर आई करके एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग देखो जब कोई प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होता है ना तो वो किसी क्लास के अंदर ही क्रिएट होता है डेफिनेटली तो आपको प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होता दिखाई तो ऐसे दे रहा है बट एक्चुअली में मेमोरी के अंदर प्राइवेट वेरिएबल ऐसे क्रिएट होता नहीं है कैसे होता है उसको देखते हैं तो एक्चुअली में क्या करेगा ये सी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर किस क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ए के अंदर तो यहां पर लिखेगा ए ठीक है तो जिस क्लास के अंदर जो भी प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होता है उस क्लास का नाम उसके साथ एसोसिएट होता है और उसके बाद दो अंडरस्कोर लगाएगा और फिर लिखेगा वेरिएबल का नाम वेरिएबल का नाम क्या है आई ठीक है अब ये वेरिएबल ऐसे क्रिएट होता है तो जब भी प्राइवेट वेरिएबल आप क्रिएट करते हो तो प्राइवेट वेरिएबल इस तरीके से क्रिएट होता है ठीक है अच्छा अभी दोबारा रिपीट करूंगा डोंट वरी वो समझ में आ जाएगा जब दोबारा कराऊंगा उसको ठीक है तो हमने एक चीज देखी कि एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया है मतलब बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ है जो कि यहां पे सी था यहां पे ये सी है यहां पे भी ये सी है सेल्फ तो इस लाइन को रन किया तो बेसिकली लाइन तो ऐसी दिख रही है हमें बट ये ऐसे रन नहीं होगी एग्जीक्यूशन इसका इंटरनली ऐसे फॉर्म होगा तो इस लाइन ने बेसिकली मेमोरी के अंदर ये वाली लाइन क्रिएट कर दी ठीक है नाउ अब कह रहा है कि सी डॉट जे इज इक्व टू फाइव यह तो सिंपल नॉर्मल वेरिएबल है तो ये क्या करेगा सी डॉट जे इज इक्व टू फाइव यह इस वैल्यू को क्रिएट कर देगा तो आई होप कि अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी हमने कौन सी लाइन एग्जीक्यूट कर ली ये वाली पूरी एग्जीक्यूट हो गई ठीक है अब इसकी सेकेंड लाइन रन करते हैं इस वाले पोर्शन में सेल्फ कौन था याद करो सी ही था ना सी था तो मतलब यहां पे भी कौन है सी अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है यहां पे फिर से एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है मैंने क्या बोला प्राइवेट वेरिएबल हमेशा क्लास के अंदर क्रिएट होता है यहां पे फिर से प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है लेकिन प्राइवेट वेरिएबल इस बार किस क्लास के अंदर क्रिएट हो रहा है क्लास बी के अंदर क्रिएट हो रहा है तो ये जो प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होगा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा सी डॉट क्योंकि सी के थ्रू ही हो रहा है सी डॉट अंडर स्कोर बी अंडर स्कोर बी एंड अंडर स्कोर अंडर स्कोर जो भी आपके वेरिएबल का नाम है वेरिएबल का नाम क्या है आई एंड दिस विल बिकम एक्चुअली टू ठीक है तो ये एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ प्राइवेट वेरिएबल यहां पे बी क्यों आया क्योंकि यहां पे प्राइवेट वेरिएबल क्लास बी के अंदर क्रिएट हो रहा है यहां पे ए क्यों आया था क्योंकि यहां पर प्राइवेट वेरिएबल क्लास ए के अंदर क्रिएट हो रहा था नाउ लेट्स ट्राई टू रन दी सेकंड लाइन यहां पे ये क्या करेगा यहां पर दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेगा सी डॉट जे इज इक्वल्स टू सेवन ठीक है अब ध्यान से देखो यहां पर सी डॉट जे इज इक्स टू फाइव ऑलरेडी था तुमने सी डॉट जे को फाइव सेवन बना दिया तो इसका मतलब नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है नहीं नया नया वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है उसी वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ठीक है तो प्राइवेट वेरिएबल हर क्लास के लिए डिफरेंट हो सकता है प्राइवेट वेरिएबल हर क्लास के लिए डिफरेंट होगा ही क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल है इस क्लास का वेरिएबल है वो प्राइवेट है इस क्लास के लिए ठीक है लेकिन जो वेरिएबल प्राइवेट नहीं है वो शेयरेबल होता है तो अर्लियर तुमने सी जे की वैल्यू फाइव क्रिएट करी थी अब यहां पे तुम कह रहे हो कि सी रोड जे की वैल्यू को सेवन बना दो तो वो बेसिकली क्या करेगा सी रोड जे को रिप्लेस कर देगा जो कि फाइव थी उसको सेवन बना देगा तो आई होप यू हैव गोट दिस थिंग नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्प्ले मैथड तो अब जब डिस्प्ले मैथड से आपने सी से कॉल किया तो डिस्प्ले मैथड सबसे पहले देखो सी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है बी क्लास का आप सी से कॉल कर रहे हो डिस्प्ले मैथड तो पहले वो अपने अंदर ढूंढेगा तो क्या क्लास बी के अंदर डिस्प्ले मेथड है नहीं क्योंकि देखो बी का ऑब्जेक्ट है ना बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो तो पहले वो बी क्लास के अंदर ही ढूंढेगा डिस्प्ले मेथड को नहीं मिला अब जब बी के अंदर डिस्प्ले मेथड नहीं मिला तो क्योंकि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है तो वो अपनी पेरेंट क्लास के पास ढूंढेगा कि क्या, क्या, क्या मेरी पेरेंट क्लास के पास है डिस्प्ले मेथड तो हाँ उसने बोला हाँ है डिस्प्ले मेथड है किसके थ्रू आपने डिस्प्ले मेथड कॉल किया सी के थ्रू तो मतलब यहां पे सेल्फ कौन होगा सी अब जब यहां पे सेल्फ है तो आप रिप्लेस कर दो सी और यहां पे भी रिप्लेस कर दो सी ठीक है अब देखो ध्यान से हमें दो चीजें प्रिंट करानी है क्या चीजें प्रिंट सी डॉट अंडर स्कोर स्कोर आई प्रिंट कराना है और कोमा सेपरेट करके दूसरी वैल्यू का प्रिंट करानी है प्रिंट कराना है अब तुम अगर ध्यान से देखो तो हमने एक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करी है किस क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं ध्यान से देखो किस क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं क्लास ए के अंदर तो दैट मीन्स ये जो प्राइवेट वेरिएबल आपने एक्सेस किया ना ये जो अंदर ढूंढने जाएगा मेमोरी के अंदर वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू को ढूंढेगा c._a एंड _i वाली वैल्यू को ढूंढेगा क्यों ढूंढ रहा है इस वाली वैल्यू को क्योंकि आपने a के अंदर डिस्प्ले मेथड कॉल किया है अगर ये अगर ये वाली वैल्यू आप इस क्लास b के अंदर एक्सेस करते तो वो a वाले को नहीं ढूंढता वो b वाले को ढूंढता बात समझ में आ गई तो वो b वाले को ढूंढता दैट मींस जब c._i आपने एक्सेस किया किस क्लास के अंदर क्लास ए के अंदर तो वो किसको ढूंढेगा सी रोड अंडर स्कोर ए वाले वेरिएबल को ढूंढेगा और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ जरा इसकी वैल्यू हमारे पास वन तो दैट मीन्स इस पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी वन और आई थिंक इस वाले पार्ट तो ये वाला पार्ट तो सिंपल ही है सी रोट जे की वैल्यू कितनी है? आप आपने लास्ट टाइम चेंज कर दी थी सेवन तो बेसिकली इस डिस्प्ले मेथड से जो प्रिंट होगा वो वन और सेवन प्रिंट होगा तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो तो so आंसर इसका कितना हो जाएगा वन सेवन ठीक है बहुत शानदार क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको दो तीन रूल्स बताऊंगा ठीक है उन रूल्स को ध्यान रखेगा पहला रूल पहला रूल ये कहता है कि जो भी एबसेट क्लास होती है मतलब अगर कोई एबसेट क्लास है ठीक है तो उस एब्सट्रेक्ट क्लास के पास मिनिमम एक मेथड होना चाहिए मिनिमम एक मेथड कैसा होना चाहिए एबस्ट्रेक्ट मेथड होना चाहिए ये मेथड भी कैसा होना चाहिए एब्सैक्ट मेथड होना चाहिए अगर कोई क्लास में एबसेट क्लास है तो उसके पास मिनिमम एक एब्स मेथड होना चाहिए रूल नंबर वन ठीक है नौ रूल नंबर टू सुनिए ध्यान से रूल नंबर टू ये कहता है कि अगर कोई चाइल्ड क्लास किसी एबसेट क्लास को इनहेरिट करती है सो इफ सम चाइल्ड चाइल्ड क्लास 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 इनहेरिट्स एन देन को अपने उस एबसेट क्लास के सारे एबसेट मेथड्स को ओवरराइड करना है रीडिफाइन करना है अपने अंदर ठीक है रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्रेट क्लास ठीक है अब चलो इस क्वेश्चन को समझ लो अगर आपने इस चीज के नोट्स ले लिया तो नोट्स लेने के बाद अब आगे मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं समझना ध्यान से ठीक है देखो सबसे पहले तो क्या व्हीकल क्लास एब्सट्रेक्ट क्लास है हा है क्यों क्योंकि इसके अंदर मिनिमम एक मेथड है जो कि मेरे को दिख रहा है एब्रेक्ट मेथड क्या होता है जिस मेथड के ऊपर आप मेथड नाम एनोटेशन लगा देते हो वो एब्सट्रेक्ट मेथड बन जाता है अब एब्रेक्ट क्लास होती क्यों है क्यों बनाई जाती है इस देखो ये एक अलग कहानी है इसको इस इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू का आंसर लाना सिखा रहा हूं तो वो सीखिए ठीक है तो ये व्हीकल क्लास क्लास एक है क्यों क्योंकि इसके अंदर एक मेथड है जिसके ऊपर मेथड नाम मैथड एनोटेशन है पहला रूल फुलफिल हो रहा है ठीक है दूसरा रूल यहां पे एक बस क्लास है जो कि व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है ठीक है और व्हीकल क्लास एक क्लास है यहां पे ये यह चाइल्ड क्लास अपनी एक एबसेट क्लास को इनहेरिट कर रही है लेकिन साथ के साथ हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एबसे मैथड जितने भी है व्हीकल क्लास के वो सारे के सारे एब्सेक्ट मैथड यहां पर ओवर राइड है ओवर रिडन है रिडिफाइन किए हुए है बस क्लास ने ठीक है तो दूसरा रूल भी जो हमारा था वो भी फुलफिल यहां पे हो रहा है तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तीसरा रूल क्या है कि तीसरा रूल ये यहाँ पे जो एबसेट क्लास है वो व्हीकल क्लास है तो व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन रहा नहीं व्हीकल क्लास का तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा दैट मीन्स इस प्रोग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है अब आप इस प्रोग्राम को नॉर्मल प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हो तो नॉर्मल प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है यहाँ से एग्जीक्यूट होता है कह रहा है बी इजिकल्स टू बस कह रहा है बस का ऑब्जेक्ट बनाए बस का ऑब्जेक्ट बनाए तो इनिट मेथड ढूंढो क्या यहाँ पे इनिट मेथड है नहीं है नहीं है तो इसके पेरेंट के पास जाओ क्या यहाँ पे इनिट मेथड है नहीं है नहीं है तो इसके पेरेंट के पास जाओ इसका पेरेंट के पास इनिट मेथड गए वहां से हमें कुछ मिला नहीं ठीक है तो हम वापस आ जाएंगे मतलब लाइन नंबर वन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई बट हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ ठीक है ना लाइन नंबर टू को रन करो कह रहा है कि बी ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट नंबर ऑफ व्हील्स हम कॉल कर रहे हैं बी किसका ऑब्जेक्ट है बस क्लास का तो बस क्लास के अंदर क्या गेट नंबर ऑफ व्हील्स नाम का फंक्शन अवेलेबल है यस yes, अवेलेबल है वो कितनी वैल्यू भेज रहे हैं आपको वो आपको रिटर्न कर रहा है सिक्स तो हमने यहाँ पे सिक्स रिटर्न किया और हमने प्रिंट करा दिया तो आंसर इस

अगर किसी एबसेट क्लास को इनहेरिट करती है जो कि इनहेरिट कर रही है तो यह मैंडेटरी होता है कि सारे के सारे एबसे मैथड्स यहां पर होने चाहिए सारे के सारे यहां पे एबसे मैथड्स रीडिफाइन ओवर होने चाहिए जो कि नहीं हो अब ओवरइडन नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि इस प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगी ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात अगर आपका रूल नंबर टू अगर आपका रूल नंबर टू फुलफिल मालूम नहीं हुआ मान लो चाइल्ड क्लास के अंदर वो सारे के सारे एब्सट्रेक्ट मेथड्स ओवर रिडन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको एरर दे देगा नहीं जी समझो ध्यान से पहले क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता मान लो कि सारे के सारे एबस्ट्रेक्ट मेथड्स आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर ओवर रिडन मान लो नहीं होते अगर तो उस केस में क्या होता है कि ये जो क्लास होती है आपकी ये जो चाइल्ड क्लास आपकी होती है ये भी एक एब्स क्लास बन जाती है इतना ध्यान रखो बस ये भी एक एबसेट क्लास बन जाती है कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपकी सब टेस्ट क्लास होगी ना अब वो भी एबसेट क्लास कहलाएगी क्यों क्योंकि और अगर आप ऐसा ओवर नहीं करते हो ओवर नहीं करते हो तो उसके सब टेस्ट नाम की क्लास भी एबसेट क्लास बन जाती है अब क्योंकि सब क्योंकि सब टेस्ट क्लास एक एबसेट क्लास बन गई है ध्यान से सुनना मेरी बात क्योंकि अब सब टेस्ट क्लास एक एबसेट क्लास बन गई है तो आप एबसेट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यह रूल नंबर थ्री कहता है रूल नंबर थ्री लिखवाया था आपको रूल नंबर थ्री कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ एन एबसेट क्लास तो फिर यहां पे आप ऑब्जेक्ट क्यू क्रिएट कर रहे हो सब टेस्ट का जब सब टेस्ट एबसेट क्लास बन गई है एबसेट क्लास क्यों बनी सब टेस्ट क्योंकि उसने एबसेट मेथड को इनहेरिट किया है क्योंकि उसने एब्स मेथड को सॉरी इनहेरिट मतलब उसने एबसेट क्लास को इनहेरिट किया है लेकिन उसने एब्स मेथड्स की बॉडी नहीं दी ओवरराइड नहीं करा इसलिए वो सब एबसेट क्लास बन गई और क्योंकि जब ये एबसेट क्लास बन गई है तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना यहां पे जो रन टाइम एरर आ रही है मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ट कि इसका आंसर रन टाइम एरर होगा लेकिन रन टाइम एरर होगा क्यों इसका रीजन ये नहीं होगा क्योंकि आपने इसके अंदर ओवर नहीं किया मैथड्स को ये इसका रीजन नहीं है एरर आने का एरर आने का रीजन ये है क्योंकि आपने ओवर नहीं किए मैथड्स तो इसकी वजह से ये क्लास भी क्या बन गई एबसेट क्लास बन गई है और जब कोई एबसेट क्लास बन जाती है तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो एक्चुअली में इस इस लाइन की वजह से एरर आ रही है इस लाइन की वजह से एरर आ रही है ये रन टाइम एरर जो आ रही है ठीक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रन टाइम एरर आगे बढ़ते हैं अब देखो इस क्वेश्चन को देखो बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कह रहा है कि आपको एक क्लास देखो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है किसी क्लास का जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उसके इनिट मैथड के पास जाते हैं इनिट मैथड के पास गए ऑब्जेक्ट क्या बना ए तो सेल्फ कौन हो जाएगा ए यहां पे आप इसको एक वैल्यू भेज रहे हो वेलकम किसके अंदर जाएगी एस के अंदर तो यहां पे आ जाएगा वेलकम अब जब आपने इस ए को सेल्फ सेल्फ को ए से रिप्लेस किया और इस राइट right वाले एस को आपने वेलकम से रिप्लेस किया तो यहां पे आपको क्या दिखेगा यहां पे आपको एक ए डॉट एस इज इक्वल्स टू वेलकम नाम की आपको एक वैल्यू क्रिएट होती हुई दिख जाएगी ठीक है वैल्यू क्रिएट हो गई अब देखो आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ो अब कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट से आपने प्रिंट मेथड को कॉल किया है तो ए मेथड प्रिंट मेथड को कॉल करेगा जो कि प्रॉब्लम नहीं है एकदम सिंपल बढ़िया एकदम लिखा हुआ है लेकिन यहां पे सेल्फ कौन होगा ए होगा क्योंकि आपने ए से कॉल किया है अब देखो यहां पर यह कह रहा है कि आप प्रिंट एस को कॉल कर प्रिंट एस कर रहे हो मतलब देखो यहां पे आप एस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन के बताया था कि जो वेरिएबल सेल्फ के साथ एसोसिएटेड होता है जो वेरिएबल सेल्फ के साथ एसोसिएटेड होता है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है और किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को मान लो एस यहां एक इंस्टेंस वेरिएबल ही तो है तो किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को आप बिना इंस्टेंस के एक्सेस नहीं कर सकते बिना ए के बिना सेल्फ के बिना ए के ए ऑब्जेक्ट है ना तो ए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहलाता है ठीक है।, है तो बेसिकली आप यहां पे डायरेक्टली एस को एक्सेस नहीं कर सकते आपको यहां पे इस एस को सेल्फ के साथ ही एक्सेस करना पड़ेगा और सेल्फ यहां पे कौन है वो ए है तो सेल्फ डोट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तो इस केस में जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा बाकी सारे तीनों ऑप्शन ना एकदम फेल हो जाएंगे ठीक है बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे एकदम ऑप्शन नंबर डी ही सही लिखा है कह रहा है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाता अगर आप प्रिंट ऐस की जगह प्रिंट सेल्फ डोट ऐस लिखते तो ठीक है तो आई होप यू हैव गोट दिस थिंग तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक सिंपल सा रिकर्जन का क्वेश्चन ले लिया है जस्ट टू लेट यू नो गाइज कि आपको हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखू ध्यान से तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है बोल रहा है कि टेस्ट मेथड कॉल कर रहे हैं हम और टेस्ट मेथड कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर आई जीरो है तो रिटर्न कर देंगे जे अदरवाइज हम इस पार्ट को रिटर्न करेंगे ठीक है तो हमने क्या किया टेस्ट मेथड कॉल किया टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं फोर कोमा सेवन पे जब आपने टेस्ट मेथड फोर कोमा सेवन पे कॉल किया तो आप चेक करो कि क्या आई जीरो है देखो आई जीरो है ना आई यहाँ पे आई जीरो के लिए कंडीशन लिखी है तो बट हमारे केस में ये आई है, ये है है तो क्या आई जीरो नहीं है अगर आई जीरो नहीं है तो क्या कॉल करोगे एल्स वाला पार्ट रन करेगा एल्स वाला पार्ट क्या करेगा रिटर्न करेगा सेम मेथड टेस्ट नाम का मेथड और वो कह रहा है कि जो करंटली आई है उसको एक कम कर दो और जो जे वाली वैल्यू है उन दोनों को एड कर दो तो ये हो जाएगा एड इस तरीके से अब ये एक नया मैथड कॉल हुआ अब जब एक नया मैथड कॉल हुआ तो वापस से जाएगा यहाँ पे नया आई क्या बन गया थ्री नया जे क्या बन गया इलेवन क्या आई जीरो थ्री वाला पार्ट जीरो है जीरो नहीं है जीरो नहीं है तो क्या करेंगे पार्ट पार्ट रन करेंगे Else part कहता है कि एक टेस्ट नाम का मेथड कॉल करो तो हम फिर से टेस्ट नाम का मेथड कॉल करेंगे कह रहा है कि आई वाली वैल्यू को एक घटा दो तो घटा देंगे और जे वाली वैल्यू को दोनों को ऐड करके भेज दो तो दोनों को ऐड किया तो फोर्टीन बना राइट अब देखो फिर से एक नया टेस्ट मेथड कॉल हुआ जब नया टेस्ट मेथड कॉल हुआ इसका मतलब नया आई बन गया टू और नया जे बन गया फोर्टीन तो चेक करो फिर से क्या आई जीरो है नहीं ये वाला पार्ट क्या ये जीरो है नहीं जीरो नहीं है नहीं जीरो है तो क्या करेंगे एल्स में जाएंगे एल्स क्या बोलता है कि एक नया टेस्ट मेथड रिटर्न करो और उस टेस्ट मेथड के अंदर आई को बना दो एक वैल्यू कम दो से एक बना दो और फोर्टीन इस जे वाली वैल्यू को फोर्टीन प्लस टू करके यहां पे सिक्सटीन स्टोर करा दो अब फिर से एक नया फंक्शन कॉल हुआ जहां पे आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू सिक्सटीन पास हो रही है वो फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे i की वैल्यू जीरो है क्या ये वाली पार्ट जीरो है नहीं जीरो नहीं है नहीं जीरो है तो क्या करो एक नया टेस्ट मेथड रिटर्न कॉल करो मतलब रिटर्न करो और उसके अंदर i को बना दो आप वन माइनस जीरो एंड इन दोनों को बना दो इन दोनों का सम ये वाली वैल्यू बना दो इन दोनों का सम तो एक नया टेस्ट मेथड कॉल हुआ एक नया टेस्ट मेथड कॉल हुआ तो आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है और जे आपके पास सेवनटीन अब देखो यहाँ पे आई तुम्हारा जीरो बन गया तो अब जब आई जीरो बना तो इस बार इफ कंडीशन चलेगी और इफ कंडीशन क्या कहती है कि जो भी आपके पास जे हुआ उसको आप रिटर्न कर दो तो जे कितना बन रहा है हमारे पास सेवनटीन तो बेसिकली क्या होगा बेसिकली होगा ये कि ये वाला पार्ट इसको रिटर्न करेगा सेवनटीन ये वाला पार्ट इसको रिटर्न करेगा से सेवनटीन ये वाला पार्ट इसको रिटर्न करेगा से सेवनटीन ये वाला पार्ट इसको रिटर्न करेगा से सेवनटीन एंड इसका तो आंसर ही ये। ये, इसका ही तो आंसर हमें चाहिए तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहां पे सेवनटीन हमें आंसर में मिल जाएगा ठीक है सो फाइनली द आउटपुट टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेवनटीन तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहां पे एक नया क्वेश्चन है और इस नए क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड देखने को मिलेगा नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी फास्टर वे कि वॉट इज क्लास मैथड एंड वॉट इज स्टैटिक मैथड देखो जी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मान लो एक क्लास है ठीक है और एक क्लास है मुंबई इंडियंस ठीक है इस मुंबई इंडियंस के अंदर मैंने बहुत सारे मेथड्स डिफाइन करे हैं जैसे कि एक मैंने मेथड डिफाइन करा है कि गेट प्लेयर का नाम तो प्लेयर का नाम लेने के लिए मेरे को सेल्फ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि किसी स्पेसिफिक प्लेयर का नाम ही तो बताऊंगा मैं तो ये क्या लिखेगा यहां पे रिटर्न करेगा यहां पे क्या रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट मान लो पी नेम तो जो भी प्लेयर का नाम है उसको रिटर्न कर देगा सिमिलरली एक मेथड हो रहा है मेरे पास मान लो डिफाइन गेट प्लेयर का एज तो ये वाला मेथड भी मेरे पास सेल्फ को एक्सेस करेगा मैं बताऊंगा क्यों सेल्फ को एक्सेस कर रहा है वो और मान लो आपने रिटर्न लिखा हुआ यहां पर कि सेल्फ डॉट पी का एज ठीक है बेसिकली क्या होता है मान लो आपने पी वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आपने पी टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आपने पी थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये तीनों प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के हैं इस प्लेयर पी का नाम अलग होगा है ना इस प्लेयर पी वन का एज अलग होगा इस प्लेयर टू का नाम अलग होगा इस प्लेयर टू का एज अलग होगा इस प्लेयर थ्री का नाम अलग होगा इस प्लेयर थ्री का एज अलग होगा तो जब आप इस कोश इस मेथड को कॉल करोगे जब आप गेट नेम करोगे तो आप पी वन के थ्रू तो करोगे पी वन डॉट गेट नेम गेट प्लेयर नेम तो बेसिकली जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो यहाँ पे सेल्फ कौन बन जाएगा पी वन और जब यहाँ पे सेल्फ पी वन बन जाएगा तो पी वन का पी नेम आप पता लगा सकते हो पी वन का पी नेम आप पता लगा लोगे इसी तरीके से मान लो आप पी टू से कॉल करते हो पी टू डोट गेट नेम तो जब आप पी टू डोट गेट नेम फंक्शन को कॉल करोगे तो पी टू यहाँ पर सेल्फ में क्या पास होगा पी टू पास होगा जब पी टू पास होगा तो आप पी टू पी टू डोट पी नेम तो पी टू डोट पी नेम आप पता लगा लोगे एक्जैक्टली तो दैट मीन्स ये जो ये जो इस टाइप के जो मेथड्स है ये ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेथड्स है P1 पे डिपेंडेंट P2 पे डिपेंडेंट P3 पे डिपेंडेंट तभी तो आप यहाँ पे सेल्फ पास कर रहे हो पर अज्यूम करो कि मान लो एक और मेथड में अगर मैं बनाऊँ और उस मेथड का नाम हो गेट प्लेयर टीम नेम कि आपको प्लेयर की टीम नेम को गेट करना है तो क्या टीम नेम इन सारे प्लेयर्स के लिए सेम होगा इस प्लेयर का भी मुंबई इंडियंस टीम नेम होगा इस प्लेयर का भी टीम ने मुंबई इंडियंस होगा इस प्लेयर का भी टीम ने मुंबई इंडियंस होगा मैं सिर्फ इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ ठीक है क्लास चेन्नई सुपर किंग अलग होगी क्लास मान लो जो भी अलग अलग टीम्स होती है पंजाब वाली टीम अलग होगी है ना हैदराबाद या राजस्थान रॉयल्स अलग होगी वह सब हर हर एक अलग अलग क्लास है तो मैं सिर्फ एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो ये जो मेथड है गेट प्लेयर टीम नेम तो गेट प्लेयर टीम नेम को क्या सेल्फ की जरूरत है क्या टीम नेम टीम नेम वाला मेथड कॉल करने के लिए आपको अलग अलग प्लेयर की जरूरत पड़ेगी कि पी वन का गेट टीम नेम करो पी टू का गेट टीम नेम करो क्या जरूरत होगी क्योंकि टीम टीम नेम तो सब प्लेयर्स का सेम है ना पी वन का भी सेम है टू का भी सेम है पी थ्री का भी नेम है पी थ्री का भी सेम है तो दैट मीनस ऐसे मैथड्स जिन जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है ध्यान से सुनना मेरी बात ऐसे मैथड्स जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है उनके लिए हम सेल्फ पास नहीं करते उनके लिए हम क्या पास करते हैं क्लास पास करते हैं सीएलएस तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा ये मेरे को रिटर्न करेगा सी एल एस डोट गेट पी टीम नेम मतलब टीम नेम ठीक है अब बताता हूं ये क्लास है क्या कहने का मतलब इन मेथड्स को इन दोनों मेथड्स को तो आप कैसे कॉल कर रहे थे गेट पी नेम गेट टीम नेम गेट गेट पी नेम पी डोट पी डोट पी टू डोट गेट नेम पी वन डॉट गेट नेम पी वन डोट गेट एज पी टू डोट गेट एज ऐसे करके कॉल कर रहे थे लेकिन पी टीम नेम वाला गेट टीम नेम वाला मेथड आप पता कैसे कॉल करोगे एम आई क्लास के नाम से कॉल करोगे गेट प्लेयर टीम नेम आप क्लास के नाम से कॉल करोगे और जब क्लास के नाम से कॉल करोगे तो यहां पे क्या जाएगा सीएलएस के अंदर एम आई जाएगा भाई जैसे पी वन से कॉल करते हो तो सेल्फ के अंदर क्या जाता है पी वन जाता है यहां पे एम आई से कॉल करोगे तो सीएलएस के अंदर क्या जाएगा एम आई और यहां पे आप सिंपली क्या कर दोगे एम आई डॉट गेट टीम नेम क्लास के नाम से वेरिएबल को कॉल कर दोगे तो ऐसे मेथड्स जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं क्लास मेथड्स उनको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है यह बात क्लियर हुई क्लास मेथड्स वाली अब देखो स्टैटिक मेथड क्या होता है मान लो एक अज्यूम करो कि मान लो एक ब्लैक बॉक्स है ठीक है और इस बॉक्स को मैं कहता हूं कि भाई मैं तेरे को एक इंटीजर वैल्यू दूंगा मैं तेरे को दूसरी इंटीजर वैल्यू दूंगा और तू मेरे को इन दोनों का सम दे देना आर वन प्लस आर टू दे देना अब यहाँ पे जो आर वन आर टू लिखा है मान लो किसी प्लेयर के रन है ये भी रनस है ये भी रनस है, है। रनस कुछ नहीं है इंटीजर वैल्यू मान लो इसने एक सौ रन बनाए इसने मान लो इसने मान लो इलेवन रन बनाए ठीक है तो ये ब्लैक बॉक्स मेरे को सिर्फ दो नंबर्स का सम करके देगा तो इस ब्लैक बॉक्स को क्या सच में ये जानने की जरूरत है कि भाई ये प्लेयर वन के जो रन वन है आर वन ये किस प्लेयर के रन है इसका काम सिर्फ दो नंबर का सम करना है इसका काम है कि सिर्फ अगर इसको दो रन मिलेंगे तो उन दोनों का सम मेरे को करके दे देगा ये ठीक है दैट्स एट तो सम करने के लिए क्या इसको प्लेयर की सच में प्लेयर का जानने की जरूरत है कि भाई ये प्लेयर किस प्लेयर के नंबर रनस है ये किस प्लेयर के रन है कि भाई अगर विराट और धोनी के रन होंगे तो ही एडिशन करूंगा वरना नहीं करूंगा क्या इस बॉक्स को ये सच में जानने की जरूरत है कि किस प्लेयर के नंबर है नहीं ना तो दैट मीन ऐसे फंक्शन जो कि किसी यूटिलिटी काम यूटिलिटी फंक्शन हो मतलब कोई छोटा मोटा टास्क फुलफिल कर रहे हो जिनको ऑब्जेक्ट से मतलब ना हो जैसे कि दो नंबर का सम कैलकुलेट करना दो नंबर का मल्टीप्लाई कैलकुलेट करना है ना पूरे टीम पूर, किसी एक प्लेयर ने पिछले पांच में मान लो कोई एक प्लेयर है उसके पिछले पांच में क्या एवरेज रहा तो उसको हम क्या देंगे चार रन दे देंगे आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव ठीक है और ये हमें सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा तो इसका ना इसका काम है कि इसको पांच नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करके देना है तो क्या इसको सच में ये जानने की जरूरत है कि ये रन किसके हैं नहीं इसको सिर्फ क्या मतलब है कि चार पांच रन्स एक्सेप्ट करेगा उनका एवरेज दे देगा तो स्टैटिक मेथड्स यूजफुल होते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूटिलिटी फंक्शंस उनको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता जैसे कि यहाँ पे देखो इज एडल्ट नाम का मेथड है इज एडल्ट नाम का मेथड क्या कर रहा है ये कहता है कि मैं एक एज एक्सेप्ट करूंगा ट्वेंटी टू और मैं इस ट्वेंटी टू एज को बताऊंगा कि ये ट्वेंटी टू एज एडल्ट एज है या फिर एक नॉर्मल एज है मतलब एडल्ट एज है या फिर एक यंग एज है ठीक है अब मान लो अगर मैं इसको ट्वेंटी टू की जगह मान लो मैं देता हूँ सिक्सटीन तो जब ये सिक्सटीन से कंपेयर करेगा सिक्सटीन इज ग्रेटर देन एट्टीन तो ये दे देगा फॉल्स तो दैट इसका मतलब क्या हो कि सिक्सटीन एक एडल्ट एज नहीं है तो क्या इसको सच में ही जानने की जरूरत है कि किसकी एज कि नहीं भाई धोनी अगर प्लेयर है और उसकी एज भले फोर्टी हो फिर भी हम इसको यंग बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना है तो ये तो एक फुलफिल काम कर रहा है सिंपल सा टास्क जिसको सिर्फ नंबर से मतलब है उसको इससे मतलब नहीं कि वो वैल्यू किसकी है अब इस क्वेश्चन को फटाफट से करते देखो सॉल्व मैंने कहा पर्सन इज इक्वल्स टू मयंग तो यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जाएगा पर्सन क्लास के पास यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा पर्सन वन नेम हो जाएगा मयंक एज होगा ट्वेंटी वन तो अगर आप मैं ध्यान से क्रिएट करूँ तो पी वन डॉट नेम जो यहाँ पे क्रिएट होगा दैट विल बी मयंक और यहाँ पे पी वन डॉट एज जो क्रिएट होगा दैट विल बी ट्वेंटी वन ये एक मेमोरी के अंदर वैल्यू क्रिएट हो गई ठीक है अच्छा इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी नो लेट्स लुक एट द सेकेंड वन सेकेंड लाइन देखते हैं सेकेंड लाइन कह रहा है कि पर्सन पर्सन क्लास के नाम से आप एक मेथड कॉल कर रहे हो तो क्लास के क्लास मेथड को क्लास के नाम से कॉल करोगे तो आपने ये मेथड कॉल किया जब आपने ये मेथड कॉल किया तो किस क्लास से कॉल किया पर्सन क्लास से तो यहाँ पे क्लास का नाम आ जाएगा पर्सन यहाँ पे नाम अब जब ये मेथड कॉल हुआ तो ये मेथड एक्सेप्ट करेगा मयंक तो नेम के अंदर आ जाएगा मयंक और ईयर के अंदर आ जाएगा नाइनटीन अब इन वैल्यूज को आप नीचे यूज कर लो तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट की बात करूं यहाँ पे जो लिखा है इस इस एक्सप्रेशन की तो ये एक्सप्रेशन मैं देखो ब्रेक करता हूं इसको जहां पे एक सीएलएस लिखा है वहां पे मैं लिखता हूं पर्सन जहां पे सीएलएस लिखा है वहां पे मैंने लिखा पर्सन फिर ब्रैकेट लगे हुए ब्रैकेट लगाया जहां पे नेम लिखा है वहां पे मैंने लिखा मयंक जहां पे नेम लिखा है वहां पे मैंने लिखा मयंक और जहां पे वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या कि आज की डेट का जो ईयर है तो अभी जो ईयर चल रहा है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू है दो हजार बाईस और करंट ईयर इसने अपना ईयर का दे रखा 1996 तो 2022 में से अगर मैं 1996 माइनस करूंगा तो ये मेरे को देगा 26 26 आ गया ठीक है तो दैट मींस ये वाली जो लाइन है ये लाइन इज इक्वल टू व्हाट दिस लाइन मैंने सिंपली रिप्लेसमेंट क्या देख लो आप ध्यान से मैंने सिर्फ इस लाइन की जगह इनकी वैल्यूज को फुलफिल किया है और ये लाइन मेरे को क्या दे रही है ये दे रही है ये रिप्लेसमेंट कर दिया मैंने और ये वैल्यू रिटर्न हो रही है मतलब बेसिकली ये जो बनाया मैंने ये पार्ट रिटर्न हो रहा है किसको रिटर्न हो रहा है जहां पे कॉल हुआ था कहाँ पे कॉल हुआ था यहाँ पे कॉल हुआ था इसका मतलब क्या मैं इस पूरे पार्ट की जगह इस पूरे पार्ट की जगह में इसको यहाँ से इसको हटा करके इस पूरे पार्ट को हटा करके क्या मैं यहाँ पे इसको इसको अज्यूम कर सकता हूँ इसको अज्यूम कर सकता हूँ क्यों क्योंकि ये बार पार्ट रिटर्न हो रहा है किसको रिटर्न हो रहा है इसको रिटर्न हो रहा है और इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है इसकी एक्चुअल में वैल्यू है ये वाली तो दैट मीन्स यहाँ पर जो लाइन है ये बेसिकली ऐसी कुछ लाइन बन गई पर्सन टू इज इक्वल टू पर्सन मयंकमा ट्वेंटी सिक्स और ये एग्जैक्टली लाइन लाइन नंबर वन की तरह आपको दिखाई दे रही है तो दैट मीन जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगा पी टू का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो क्या जाएगा इनिट के पास जाएगा इनिट के पास जाएगा तो सेल्फ में क्या जाएगा पी टू नेम आ जाएगा मयंक और एज आ जाएगा तुम्हारा ट्वेंटी सिक्स तो ये सिमिलरली जैसे ये वाला पार्ट क्रिएट होता है ऐसे इसका भी पी टू डॉट नेम इज इक्वल टू मयंक क्रिएट करेगा ठीक है और पी टू डॉट एज में क्या क्रिएट करेगा ट्वेंटी सिक्स के करेगा ठीक है ये क्रिएट हो गया ठीक है अब आपके पास लाइन नंबर वन और टू को एग्जीक्यूट करके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको मिल गया अब देखो आगे सिंपल है क्या सिंपल है कि पर्सन वन की एज बताओ पर्सन वन की एज कितनी है ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन प्रिंट हो जाएगा पर्सन टू की एज बताओ कितनी एज है ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स प्रिंट हो जाएगा और कह रहा है लास्ट में कि पर्सन से इज एट मैथड कॉल किया ट्वेंटी टू वैल्यू के साथ तो जब इसने ये मेथड कॉल किया तो ये मेथड इसको कॉल करेगा यहाँ पर एज आ जाएगी ट्वेंटी टू और एज ट्वेंटी टू आई

कंस्ट्रक्टर के पास जाओगे सेल्फ कौन हो जाएगा ओ बीजे यहां पर सेल्फ कौन हो जाएगा ओबीजे अब देखो सेम चीज रिपीट है जो शायद क्वेश्चन नंबर थ्री या फोर में हमने करी थी कि ये क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो लिखने को तो यहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि ओबीजे डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए लिखा तो ऐसा कुछ है है ना ऐसा कुछ लिखा है लेकिन एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं होगा मेमोरी के अंदर जो क्रिएशन करेगा ना ये चीज मेमोरी के अंदर ये वाला जो पार्ट क्रिएट होगा वो कुछ ऐसे होगा ओबीजे डॉट क्लास का नाम क्योंकि जिस क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो रहा है उसका नाम फिर डबल अंडरस्कोर फिर वेरिएबल का नाम और इज इक्वल टू इज इक्वल फिफ्टीन पार्ट क्रिएट होगा तो इस लाइन के रन होने से यह जो रन हुआ इसने यह पार्ट क्रिएट करा आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन रन करते हैं जब यह लाइन रन हुई मतलब मेमोरी के अंदर यह पार्ट क्रिएट हो चुका है प्राइवेट वेरिएबल अब इसको रन करते हैं ठीक है तो इसने कहा कि ओबीजे के थ्रू आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो जब ओबीजे के थ्रू आप डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हो तो ये ओबीजे एक्चुअल में है कौन ये सेल्फ है तो ये ओबीजे ये सेल्फ है ठीक है अब जब आप इस सेल्फ को रिप्लेस करोगे ओबीजे से तो बेसिकली आप एक्सेस क्या कर रहे हो आप एक्सेस कर रहे हो ओबीजे डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए क्या ये वैल्यू आप क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हो हां क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं क्लास के ब्लॉक के अंदर एक तो एक्सेस कर रहे हैं तो अगर कोई भी आप इस तरीके की वैल्यू क्लास के अंदर एक्सेस करते हो तो दैट मीनस वो एक्चुअली पता है क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ए ए ये अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है इसकी वैल्यू फिफ्टीन तो मतलब ये डिस्प्ले मेथड आपको कितना आंसर देगा फिफ्टीन आंसर देगा ठीक है अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करो देखो जी ध्यान से जब आपने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी तो आप लिख रहे हो ओबीजे डॉट अंडर स्कोर स्कोर ए इज इक्वल टू ट्वेंटी अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्राइवेट वैल्यू को क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम का तो आंसर कितना आएगा एरर आएगा नहीं जी मैं आपका मिथ ब्रेक कर देता हूं मैं क्या एक चीज बोलूंगा ध्यान से सुनना प्राइवेट वेरिएबल की बात हमेशा सिर्फ क्लास के अंदर होती है क्लास के बाहर प्राइवेट वेरिएबल जैसी कोई चीज ही नहीं होती सुनना मैं रिपीट करता हूं प्राइवेट वेरिएबल की बात सिर्फ क्लास के अंदर की जाती है Private variable प्राइवेट वेरिएबल की बाहर प्राइवेट वेरिएबल की बात क्लास के बाहर नहीं की जाती प्राइवेट वेरिएबल जैसी कोई चीज होती नहीं है क्लास के बाहर ठीक है तो जब तुम क्लास के बाहर आ गए ना तो चाहे तो तुम डबल अंडरस्कोर लगा के कोई वेरिएबल क्रिएट करो चाहे एक अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल क्रिएट करो चाहे आप ट्रिपल अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल क्रिएट करो भाई वो उसको एक सिंपल नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करेगा तो वो सिंपली क्या करेगा क्योंकि क्लास के बाहर है क्लास के बाहर आपने _... to 20 लिखा तो वो सिंपली एक मेमोरी के अंदर इसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके छोड़ देगा क्यों क्योंकि अंडर स्कोर से आप एक वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकते हो तो कहने का मतलब अगर आप क्लास के ब्लॉक के अंदर डबल अंडरस्कोर के साथ किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो वो क्लास के नाम के साथ एसोसिएट होकर के तब क्रिएट होता है ऐसे करके अंडर स्कोर क्लास का नाम देन डबल अंडरस्कोर लेकिन क्लास के अंदर सिर्फ लेकिन अगर आप क्लास के बाहर किसी ऐसे वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो वो एक्जैक्टली exactly वैसे ही क्रिएट हो जाएगा जैसे वो क्रिएटेड है हो सकता नहीं समझ में आऊँगा मैं आपको और बताऊंगा अभी इसके बारे में अब देखो पहले नेक्स्ट लाइन रन करो जब आपने नेक्स्ट लाइन रन करी तो फिर से डिस्प्ले मैथड कॉल करेगा जब फिर से डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा फिर से ओबीजे जाएगा इसके पास ओबीजे डॉट अंडर्स को अंडर्स को रहे फिर से एक्सेस कर रहे हो अगेन ये चीज आप कहां एक्सेस कर रहे हो क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हो और जब आप इस चीज को क्लास के अंदर एक्सेस करोगे ऐसे करके तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट करेगा इसमें इसको कन्वर्ट करेगा इसमें कन्वर्ट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है फिफ्टीन तो आपसे ये लाइन फिर से आपको आंसर देगी फिफ्टीन तो अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो इस प्रोग्राम के अंदर तो जो आंसर आने वाला है वो आंसर तो आने वाला है देखो फिफ्टीन फिफ्टीन ठीक है लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ हो सकता है आपके डाउट्स हो ऐसे कुछ ठीक है तो उन चीज़ों को समझते हैं मैंने एक तो ये चीज़ बोली कि इस टाइप का वेरिएबल हमेशा क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा और अगर मान लो क्लास के बाहर आप इस तरीके से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो भाई वो एज इट इज क्रिएट हो जाएगा अब देखो सुनो मेरी बात अगर मान लो मैं इस ओबीजे डिस्प्ले मेथड को एक मिनट के लिए हटाऊं और मैं पे इसकी जगह लिखता प्रिंट और मैं पे लिखता ओबीजे डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए तो ये वैल्यू पता है ये क्या मेरे को देता क्योंकि मैंने आपको क्या बोला क्लास के बाहर कोई प्राइवेट नाम की चीज नहीं होती तो ये सिंपली क्या करता यहां से मेमोरी से अंदर मेमोरी के अंदर से ये वाली वैल्यू उठाता और ट्वेंटी प्रिंट कर देता ठीक है ये कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं है क्लास के बाहर प्राइवेट वेरिएबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती ये कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल तो आपने ऊपर लाइन में क्रिएट कर रखा है तो आप अगर इसको एक्सेस करोगे तो ये ट्वेंटी आपको यहां से उठा करके दे देगा ठीक है सिंपल सी बात क्लियर है अगर यही चीज अगर ऐसी ही आप क्लास के अंदर कहीं पर यूज करके लिखते तब फिर वो इसको ढूंढता क्योंकि अब यह प्राइवेट वेरिएबल होता अगर क्लास के अंदर ये चीज़ लिखी होती कहीं ठीक है दूसरी बात अज्यूम करो मान लो मान लो अगर ये लाइन में लिखता ही ना मान लो मैं लाइन लिखता ही ना और मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट ओबीजे डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए मैं यहां पे ये यह लिखता हूं मान लो तो अब आपको लगेगा कि ये तो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम और प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस कर नहीं सकते तो ये तो एरर दे देगा देखो ये एरर तो देगा यह लाइन एरर तो देगी क्यों क्योंकि आप आपको जो लग रहा है कि एरर क्यों दे रहा है वो लग रहा है कि ये प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जबकि एर, एरर ये नहीं आएगी मैं आपको बताता हूं एरर क्यों आएगी एरर तो आएगी इसकी एरर इसलिए आएगी क्योंकि देखो आपने ए नाम की कोई वैल्यू को क्रिएट ही नहीं करा और आप उसको एक्सेस कर रहे हो क्लास के बाहर इसलिए एरर आएगी तो वो कह रहेगा वो ये बोलेगा कि सॉरी अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए नाम की जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट ही नहीं हुई प्राइवेट जैसी कोई एरर नहीं आएगी आप रन करके देख लेना इस प्रोग्राम को ठीक है प्राइवेट जैसी नहीं, वो सिंपली बोलेगा कि आपने एट्रीब्यूट आपने ऐसा कोई एट्रीब्यूट क्रिएट ही नहीं करा इसलिए वो एरर आ रही है मैं अब इसको समअप कर देता हूँ एक चीज़ के लिए मान लो अगर यहाँ पे आप प्रिंट करने की कोशिश करते ओ बी डॉट मान लो हेल्लो ओ बी डॉट मान लो ए प्रिंट कर ओ बीजे डॉट प्रिंट करते मान लो बी तो ओ बी डॉट प्रिंट अगर मैं बी करूँ तो ये क्या एर देगा मैंने क्रिएट नहीं करी ओ बी डॉट बी वैल्यू और प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या दे देगा बोलेगा कि बी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो भाई ओ डॉट बी में और ओ डॉट ए में अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए में कोई अंतर नहीं है क्लास के बाहर क्लास के बाहर दोनों सेम टाइप के वेरिएबल हैं तो अगर आप बिना इस वैल्यू को क्रिएट करें अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो जो एरर इस केस में आती है ना वही एरर इस केस में आएगी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं obj. बी डॉट अंडर अंडर स्कोर ए अगर मैं इस चीज़ को क्लास के अंदर यूज करता हूँ तो वैल्यू क्रिएट होती है ऐसे और अगर मैं इस चीज़ को क्लास के बाहर यूज़ करता हूं तो वैल्यू सिंपली एज इट इज जैसी क्रिएट हो, हो जाती है ऐसी जैसी ऐसी क्रिएट हो जाती है सिंपल तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग है ठीक है अगर मैं अपने घर में हूं तो मैं एक अलग कैंडिडेट हूं और अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं एक अलग कैंडिडेट हूं मतलब मैं अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हूं दैट्स इट ऐसे समझने की आप कोशिश करो सिंपल ठीक है तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 15 15 बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू मेक इट यू गाइस क्लियर राइट right. अब देखो यार एक लास्ट में एक जाते जाते एक बात बोलूंगा मैंने काफी टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो में सिखाया है अब एक आपसे रिक्वेस्ट है यार या तो आप लिंक वगैरह पे पोस्ट पोस्ट करो ताकि बच्चे मेरे चैनल को देख पाए ठीक है क्योंकि यार देखो एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं ठीक है और मतलब एक रीच होती है ना कि मन करता है कि चलो वीडियोस बनाओ तो या तो कुछ भी करो आप या तो आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप लिंक लिंकड वगैरह पे पोस्ट करो मेरे चैनल का लिंक वगैरह शेयर करो अपने लोगों से ठीक है और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो कभी कभी मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है कभी बोला नहीं है किसी भी वीडियो में ठीक है तो थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को भी दिखा दो ताकि मैं खुश हो जाऊँ थोड़ा सा बाकी दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी से बनाऊँ टिल देन बाय एंड एन्जॉय